नमस्कार मित्रों, मैं विकास शिक्षा अवसर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको सूचित हो ही गया होगा कि संविदा शिक्षा वर्ग 3 की वैकेंसी ओपन हो चुकी हैं और बहुत सारे कैंडिडेट काफ़ी लंबे समय से इसका इंतज़ार भी कर रहे थे दोस्तों। और फाइनली मैं उन सबको शुभकामना देना चाहता हूँ दोस्तों कि उनकी वैकेंसी ओपन हो गई है। और साथ में उनको ये निर्देश भी देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप अपने सपने को साकार कर सकें। दोस्तों, जैसा कि इसके सिलेबस की अगर अपन बात करें तो इसके सिलेबस में जो एक्स फैक्टर है और वह जो एक्स फैक्टर हैं वह है दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों, आज से मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की श्रृंखला को शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले हम ये देख लेते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर का आने वाला है। हम सर्वप्रथम इसकी जांच करते हैं। तो दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के परीक्षा में आपके 30 प्रश्न दिखाई देंगे और वह जो 30 प्रश्न रहेंगे वह 30 अंकों के रहेंगे। लेकिन ये जो 30 प्रश्न रहेंगे यह 3 भागों में विभाजित हैं, यानी 15, 5 और 10। जैसा कि आप सब अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मैंने 3 पॉइंट आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने बोर्ड पे बना रखे हैं। जैसे कि पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि बाल विकास। अब ये जो बाल विकास जो रहेगा ये स्वयं में अपने आप में 15 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का दोस्तों? 15 नंबर का, यानी यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तत्पश्चात जो दूसरा जो टॉपिक रहेगा, ये जो दूसरा जो इसका भाग रहेगा वह रहेगा समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। इससे संबंधित परीक्षा में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जो छोटा है वह अधिक है और जो ज्यादा है वह कम है। और तीसरा जो रहेगा अधिगम और शिक्षा शास्त्र, इसके प्रश्न पूछे जाएंगे 10। तो 15 पूछे जाने वाले हैं बाल विकास से, 5 पूछे जाने वाले हैं समावेश शिक्षा की अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, और दोस्तों 10 अंक पूछे जाने वाले हैं अधिगम और शिक्षा शास्त्र से। ये 30 अंकों के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, हम सर्वप्रथम सिलेबस की बात कर ही लेते हैं लगे हाथ। तो जो बाल विकास है, ठीक है, बाल विकास में हम किन किन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, मैं पढ़ के बता देता हूं। दोस्तों, बाल विकास में सर्वप्रथम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। दूसरा, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधित समस्याएं, ठीक है, जो बालक होते हैं उनके स्वास्थ्य तथा उनके जो व्यवहार जो संबंधित समस्याएं जो है ना वो वाला। तत्पश्चात वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, सामाजिकरण की प्रक्रिया, जस्ट लाइक सामाजिक जगत तथा उसके बच्चे, जिसमें शिक्षक भी आ जाएंगे, अभिभावक भी आ जाएंगे, उनके साथीगण भी आ जाएंगे तथा उनके समाज के जो लोग होंगे वे भी आ जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों कि समाज का, माता पिता का, मित्र का बच्चों पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसा कहते हैं ना, संगत जैसी होगी वैसा हमारा व्यवहार होगा। तो संगत के बारे में बात की जाएगी इस टॉपिक में। तत्पश्चात जाके दोस्तों बाल विकास में जो कुछ थिंकर्स हैं उन थिंकर्स की कुछ अवधारणाओं के बारे में भी वर्णन किया जाएगा। जैसे जस्ट लाइक अगर अपन बात करें पियाजे, जो कि एक बहुत बड़े थिंकर है दोस्तों, पियाजे, पावलोव, कोल्हर, ठीक है, और थार्नहाइट, जो इनके जो कुछ थिंकर हैं उन थिंकर की रचना और उस रचना का आलोचनात्मक वर्णन भी हम लोगों को करना है और इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तत्पश्चात दोस्तों बाल केंद्रित एवं प्रगति शिक्षा की अवधारणा, बालों जो बालक हैं, बालकों से संबंधित जो शिक्षा है उन शिक्षा के जो सिद्धांत हैं, जो अवधारणा है, उनके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा और उनको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो भी अच्छे तरीके से। तत्पश्चात दोस्तों बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप, उसका मापन और बहुआयामी बुद्धि, ठीक है। हर बालक में बुद्धि का जो पैमाना होता है दोस्तों वो अलग अलग होता है, क्योंकि बुद्धि सब में अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है तो बहुत कम मंद बुद्धि वाला बालक भी रहता है। तो उनके अलग अलग पैमाने होते हैं, उनके अलग अलग सिद्धांत होते हैं, तो उनका वर्णन भी करना और उनके आलोचनात्मक स्वरूप को भी हमें देखना है दोस्तों इस टॉपिक में। तत्पश्चात दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, व्यक्तित्व और उसका माप, फिर भाषा और विचार के बारे में वर्णन करना है, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर, जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं।
तत्पश्चात दोस्तों अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत विभिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तत्पश्चात दोस्तों अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर। शाला आधारित आकलन सतत एवं समग्र मूल्यांकन स्वरूप और प्रथाएं, ठीक है, कि जो मान्यता रहेगी उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और हमारा जो बाल विकास है इसका आखिरी जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वह रहेगा अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण। कक्षा कक्ष में अधिगम को बढ़ाने, आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन के लिए। तो दोस्तों ये जो बाल विकास से संबंधित जो टॉपिक हैं जो मैंने आप सबके सामने डिस्कस किए हैं हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों सिर्फ आप ये ध्यान में रखिएगा कि एक टीचर को बच्चे को कैसे पढ़ाना है, एक टीचर को बच्चे को कैसे उसका विकास करना है। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहते हैं ना कि बालक दो ही स्थानों पर सर्वाधिक मात्रा में सीखता है, एक अपने घर में, और अपने घर में किससे सीखता है, अपनी माता से, जिसे अपन कहते हैं प्रथम शिक्षक या प्रथम गुरु, ठीक है। तत्पश्चात ज्यादा वह सीखता है तो सीखता है अपने विद्यालय से। तो एक नैतिकवान बालक के निर्माण में उसके शिक्षक का सर्वाधिक योगदान होता है। तो शिक्षक भी ऐसा होना चाहिए कि वह बच्चे को नैतिकवान बनाए। और यही कारण है दोस्तों कि शिक्षकों के एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे प्रश्न डाले जाते हैं, ठीक है, ताकि वह इनके बारे में अच्छे से जान सके, ठीक है, यहाँ तक कि बालकों की मानसिकता को जान सके। दोस्तों एक जो शिक्षक होता है ना उसको साइकोलॉजी का नॉलेज होना सर्वाधिक मात्रा में आवश्यक है, ठीक है, तो उसके बारे में वह जान सके, इसलिए सिलेबस को इसमें डाला गया है। चले दोस्तों तो हम शुरुआत करते हैं, सर्वप्रथम हम बाल विकास को लेंगे, ठीक है, 15 नंबर के टॉपिक को हम कवर करेंगे। जब बाल विकास समाप्त हो जाएगा दोस्तों तत्पश्चात हम सेकंड टॉपिक जो रहेगा हमारा 5 नंबर का उसको शुरू करेंगे तथा उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तत्पश्चात दोस्तों अंत में हम, ठीक है, 10 नंबर के जो अंक रहेगा उससे संबंधित जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम 15 नंबर से, यानी बाल विकास से। तो देखते हैं दोस्तों आज हम किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक जिसमें सर्वप्रथम बाल विकास की अवधारणा, पहला हम बात करने वाले हैं बाल विकास की अवधारणा, दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत के सिद्धांत, ठीक है। तो इन तीन टॉपिक को हम पढ़ेंगे, बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक और बाल विकास के सिद्धांत। अब सुनेगा दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात हम अभी कर लेते हैं, जब हम इन तीन टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसके सिद्धांत जो रहेंगे वो तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, यहाँ तक कि उससे संबंधित जो थिंकर्स रहेंगे वो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो में दो चीज़ों पर फोकस करिएगा, जब आप इस वीडियो को देखोगे और इससे अध्ययन करोगे तो दो चीज़ों पर फोकस करना। पहला, जहाँ पर अपन किसी थिंकर्स की बात करें, जहाँ पर मैं किसी थिंकर्स की बात करता हूँ या किसी थिंकर्स का नाम लेता हूँ या किसी मनोवैज्ञानिक का नाम लेता हूँ तो उस मनोवैज्ञानिक को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वह मनोवैज्ञानिक क्या कह रहा है, उसके द्वारा कहे गए कथन क्या है, उस कथन को भी ध्यानपूर्वक सुनना, पहली बात। दूसरा, इस वीडियो के अंत में मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करूंगा दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे ना इस वीडियो का पूरा निचोड़ होगा,
अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाते हैं और अंत का पार्ट देखते हैं तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन अंत का पार्ट देखने के लिए आपको इस पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आप कहीं मत जाइए, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, अंत में तो आप चले जाएंगे, लाइक तो अभी करना पड़ेगा। और शिक्षा और संघ को सब्सक्राइब भी तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं बाल विकास की अवधारणा से। सबसे पहला टॉपिक बाल विकास की अवधारणा। अब जो दोस्तों बाल विकास की अवधारणा है, उससे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों कि बाल विकास होता क्या है। सबसे पहली चीज बाल विकास, इसका मतलब होता क्या है? बाल विकास का मतलब होता है दोस्तों बालक का संपूर्ण विकास, बालक का संपूर्ण विकास। ठीक है, जब हम किसी टॉपिक को पढ़े, ठीक है, तो उसके बारे में ज्ञान होना हमें अत्यधिक आवश्यक है। तो बाल विकास का मतलब क्या है? बालक का संपूर्ण विकास। संपूर्ण विकास का मतलब उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास। अगर किसी बालक का दोस्तों सिर्फ शारीरिक विकास हो जाता और मानसिक विकास नहीं होता है, ठीक है, तो फिर वह एक नैतिकमान व्यक्ति नहीं बन सकता, या फिर जो ये समाज की जो परिभाषाएं हैं, जो शर्तें हैं, वह उनको पूरी तरीके से नहीं पालन कर पाएगा। और अगर किसी बालक का मानसिक रूप से विकास हो जाता है लेकिन शारीरिक रूप से विकास नहीं हो पाता, तो दोस्तों वह भी समाज में शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए बाल विकास का मतलब होता है बालक का संपूर्ण विकास से। ठीक है, अब बालक का संपूर्ण विकास जो है, ठीक है, उसके लिए दोस्तों बाल विकास में एक शब्द आता है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, अब बाल मनोविज्ञान क्या होता है दोस्तों? दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो बाल मनोविज्ञान होता है ना, वह होता है ऐसा मनोविज्ञान जो बालकों के दिमाग तथा शरीर दोनों का अध्ययन करें। ठीक है, बालकों के दिमाग तथा शरीर दोनों का जब वो अध्ययन करता है तो उसे अपन कहते हैं बाल मनोविज्ञान। ठीक है, अब बाल मनोविज्ञान को इसको एक अलग से शाखा बनाई गई। बाल मनोविज्ञान में क्या होता है दोस्तों कि पूरे बालक की अगर अपन बात करें तो बालक में अपन उसको युवा अवस्था में भी लेके जाएंगे तथा साथ में उसको वृद्धावस्था में भी लेके जाएंगे, तो अपन युवा अवस्था वृद्धावस्था की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में मनुष्य का पूरा मनोविज्ञान आ गया। ठीक है, इसलिए हमें पुरुष के पूरे मनोविज्ञान की बात नहीं करनी, हमें सिर्फ बालक की बात करनी है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान में से एक शाखा निकाली गई है और उस शाखा का नाम है बाल विकास। क्या नाम है दोस्तों? बाल विकास। क्लियर? चले जी, अब सुनेंगे। अब इसी से संबंधित, बाल विकास से ही संबंधित एक हमारे मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, या फिर आप उन्हें विचारक बोल सकते हैं, या फिर आप उन्हें थिंकर्स भी बोल सकते हैं दोस्तों। उनका नाम है क्रो एंड क्रो। मैंने आपको पहले ही सूचित किया था दोस्तों, जब भी हम थिंकर्स की बात करें आप उस थिंकर्स का नाम ध्यान से सुनेंगे तथा वह थिंकर्स क्या कहते हैं उसको भी अपनों को ध्यान पूर्वक सुनना है। तो बात करते हैं कि क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बालक का विकास वह विज्ञान है, बालक का विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार, जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु तक करे,
ठीक है। क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं कि बालक का विकास वह विज्ञान है, ठीक है, बाल विकास के बारे में अपना विचार दे रहे हैं कि बालक का विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु तक करे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों कि बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान क्या करता है दोस्तों कि बालक का अध्ययन, उसके दिमाग का अध्ययन, उसके शरीर का अध्ययन बचपन से बुढ़ापे तक करता, जब तक कि वह मरता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें बुढ़ापे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उसकी प्रौढ़ अवस्था से हमें भी कोई लेना देना, उसकी मैच्योरिटी से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें उसके बाल्य अवस्था से लेना देना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या करा दोस्तों, जो थिंकर्स थे इनको, इन्होंने क्या करा कि एक अलग शाखा बनाई, ठीक है, और उस अलग शाखा को कह दिया बाल विकास। आई बात समझ में? और बाल विकास से संबंधित थिंकर्स के अलग अलग थिंकर विचार होते हैं दोस्तों, जिसमें क्रो एंड क्रो का विचार आप कुछ इस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि क्रो एंड क्रो अगर किसी का अध्ययन करते हैं तो उसकी मृत्यु तक अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज आप यहाँ पर यह भी याद रखिएगा दोस्तों, जब अपन बालक की मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं या बाल विकास की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो उसका अध्ययन जन्म के बाद से नहीं या विद्यालय में प्रवेश करने के बाद से नहीं, उसका अध्ययन माँ के गर्भ से ही शुरू होता है, ठीक है। माँ के गर्भ से उसकी मनोविज्ञान की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि वहां से वह एक जीव के रूप में उत्पन्न होता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब वो गर्भाशय में रहता है दोस्तों, तो वहां से वह कुछ सीखता है, समझता है, आसपास के एटमॉस्फेयर उसके ऊपर इफेक्ट यानी प्रभाव डालते हैं, तो इसका अध्ययन हमेशा गर्भाशय से होता है, गर्भ अवस्था से ही होता है, ठीक है। वो अलग बात है दोस्तों कि बहुत सारे वैज्ञानिक इसको मृत्यु तक लेके जाते हैं, तो जबकि कोई बहुत सारे वैज्ञानिक इसको विद्यालय तक ही सीमित रखते हैं, ठीक है। चले जाए हम आगे शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर अपन बात करें दोस्तों आगे बाल विकास की संकल्पना, ठीक है, बाल विकास की संकल्पना, बाल विकास की संकल्पना, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों विकास क्या है। विकास, क्योंकि बाल विकास क्या होता है तो समझ लिए, ठीक है। विकास क्या होता है, ठीक है, विकास का तात्पर्य होता है वृद्धि, विकास का तात्पर्य क्या होता है वृद्धि, ठीक है। प्रकृति भी वृद्धि के नियम का पालन करती है, ठीक है। तो अब जब कोई बालक है, अगर उसके मनोविज्ञान का आप अध्ययन कर रहे हो, ठीक है, तो आप देखते हैं कि उसका जो मनोविज्ञान होता है वह एक स्टेबल नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। जब वह बड़ा होता है तो उसका विज्ञान बदल जाता है, उसके हाव भाव बदल जाते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, ठीक है। बचपन में आपने देखा होगा कि कोई बच्चे बहुत शरारती होते हैं, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, तो बहुत शांत हो जाते हैं, ठीक है, शांत स्वभाव के हो जाते हैं, ठीक है। बचपन में कोई बच्चे बहुत सुरीले होते हैं, ठीक है, लेकिन सडनली जब वो बड़े बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका तारत्व ऊंचा हो जाता है, ठीक है, उनकी आवाज कान में चुभने लग जाती है, ठीक है। शुरुआत में बच्चे बहुत मंद बुद्धि के होते हैं, ठीक है, जब वो बड़े हो जाते विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वह बहुत अच्छे टॉपर बन जाते हैं। कुछ बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जो 10वीं 12वीं में अच्छा नहीं कर पाते, वो कॉलेज में अच्छा कर पाते, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10वीं 12वीं में अच्छा करते हैं लेकिन कॉलेज में अच्छा नहीं कर पाते। यानी इसका मतलब सिर्फ यही है कि बालक की मनोविज्ञान की दशाएं बदलती रहती हैं दोस्तों, और विकास का तात्पर्य होता है वृद्धि, ठीक है। जब वृद्धि होगी तो मनोविज्ञान भी बदलता रहता है। तो बाल विकास की संकल्पना की बात करते हैं तो वृद्धि, ठीक है, विकास का तात्पर्य होता है वृद्धि। अब बात करते हैं दोस्तों ये वृद्धि कैसे, तो ध्यान पूर्वक आप इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए और शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। चले जी बात करते हैं वृद्धि की। वृद्धि की बात करें तो सर्वप्रथम बात करेंगे कि उसके विकास की शुरुआत कहां से होती है, ठीक है। यहां पर अपन देखते हैं विकास कैसे आगे बढ़ रहा है दोस्तों, कैसे वृद्धि को आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम पहला पॉइंट है दोस्तों गर्भकालीन,
आप स्वयं बताइए और स्वयं सोचिए, क्या बालक की प्रथम अवस्था गर्भकालीन है? गर्भावस्था क्या पहले उसकी पहली अवस्था है कि नहीं है? गर्भावस्था होगी तभी तो बालक होगा, ठीक है, तभी तो आप उसका अध्ययन कर पाओगे। अगर गर्भावस्था होगी नहीं और बालक होगा नहीं तो किसका अध्ययन करेंगे? ठीक है, तो पहले ही, ठीक है, गर्भकालीन अवस्था। ठीक है, इस गर्भकालीन अवस्था की अगर अपन बात करें, और यह अवस्था कब होती, याद रखिए दोस्तों, यहां से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस वृद्धि से, इस विकास से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा कि गर्भ अवस्था या गर्भकालीन अवस्था कितनी होती है। तो गर्भकालीन अवस्था होती दोस्तों गर्भ धारण से जन्म तक, जब तक शिशु जन्म नहीं लेगा, ठीक है, तब वह कहां रहेगा? गर्भ में रहेगा। तो गर्भकालीन अवस्था गर्भ धारण से जन्म तक। अब आप देखो, क्या यहां पर वृद्धि का नियम लग रहा है, क्या यहां पर विकास का नियम लग रहा है? लग रहा नहीं लग रहा, गर्भ में था, ठीक है, 9 महीने, ठीक है, प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो 9 महीने, ठीक है, 9 महीने के बाद बच्चे का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो क्या 9 महीने वृद्धिकालीन है कि नहीं है, विकासकालीन है कि नहीं है? ठीक है, तो पहली अवस्था गर्भकालीन अवस्था कितनी है, गर्भधारण से जन्म तक। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, दूसरी होती है शेषवा अवस्था। अब बात करते हैं दोस्तों शेषवा अवस्था कहां से कहां तक। तो दोस्तों जन्म से शेषवा अवस्था शुरू हो जाती है। तो जन्म से 14 दिन आप गिन लो दोस्तों, जन्म से 14 दिन जो रहेंगे, ठीक है, उसे शेषवा अवस्था कहते हैं। और दोस्तों आपकी परीक्षा में यही आएगा कि शेषवा अवस्था कितने दिन से कितने दिन की होती है, या इतने दिन से इतने दिन की अवस्था को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं शेषवा अवस्था, जन्म से 14 दिन। क्लियर, चलो नेक्स्ट। तीसरा बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था की शुरुआत होती है दोस्तों 5 वर्ष से 12 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष से 12 वर्ष बाल्यावस्था। उसके बाद आती है किशोरावस्था, किशोरावस्था की शुरुआत होती है दोस्तों 12 वर्ष से 18 वर्ष, और लास्ट में होते दोस्तों प्रौढ़ावस्था की शुरुआत हो रही है दोस्तों 18 वर्ष के बाद, ठीक है, 50 वर्ष तक या 55-60 तक भी जा सकते हैं दोस्तों। अब उसके बाद जो अवस्था होगी दोस्तों वह वृद्धावस्था होगी, ठीक है। तो विकास को आप आसानी से देख पा रहे हैं, गर्भकालीन अवस्था, शेषावस्था, बाल्यकाल अवस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, ठीक है दोस्तों। चले जी आगे बात करते हैं। अब इस वृद्धि या इस विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, जैसे कि अपनों ने इस वृद्धि के बारे में बात करी, ठीक है, ये जो विकास जो आप लोगों ने अभी देखा है दोस्तों, चूंकि बाल्य जो गर्भावस्था से आपने जो प्रौढ़ अवस्था तक का विकास देखा, क्या अब इसको कोई प्रभावित कर सकता है क्या, और प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते, जरा उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं कौन कौन से कारक होते हैं। सबसे पहला कारक है दोस्तों पोषण। द्वितीय कारक है दोस्तों बुद्धि। तीसरा कारण है दोस्तों प्रजाति। चौथा कारण है रोग एवं चोट।
पांचवा है दोस्तों घर का वातावरण, वातावरण। छठा है दोस्तों आस पड़ोस का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का वातावरण। नेक्स्ट है दोस्तों सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। अब ये कुछ आठ दोस्तों आपके कारण हैं, प्रभावित करने वाले कारण। इससे किसी भी बालक का, ठीक है, विकास प्रभावित हो सकता है। कैसे, सुनिए। पोषण दोस्तों, आप सबको ये पता है कि बच्चे के विकास के लिए पोषण का होना आवश्यक है। आपने एक शब्द सुना होगा कुपोषण, ठीक है। कुपोषण का मतलब क्या था, जिसे पोषण नहीं मिला है, ठीक है। अगर आप अगर किसी एक पौधे की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो पौधे के लिए भी मिट्टी चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है, खनिज चाहिए उसके लिए भी, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी चाहिए रहेगी, उसमें सारे खनिज पदार्थ आ जाएंगे। अगर वो नहीं होगा, जल नहीं मिला, तो क्या पौधा ग्रोथ कर पाएगा? क्या सूर्य का प्रकाश नहीं मिला तो क्या ग्रोथ कर पाएगा? उपजाऊ मिट्टी नहीं मिली तो क्या ग्रोथ कर पाएगा? नहीं। अब उसी प्रकार से दोस्तों, अगर किसी बालक को उचित पोषण नहीं मिला, ठीक है, जो उसको मिलना चाहिए था, ठीक है, तो दोस्तों उस बालक की वृद्धि रुक जाएगी। एक चीज ये याद रखिएगा। दूसरी चीज ये याद रखिएगा दोस्तों कि एक अध्ययन से ये ज्ञात हुआ है कि अगर मां भी, ठीक है, मां को उचित रूप में पोषण नहीं मिलता, ठीक है, तो उससे जन्म लेने वाला बच्चा भी कुपोषित पैदा हो सकता है, ठीक है। और यही कारण है दोस्तों कि भारत सरकार जब कुपोषण को भगाने के लिए जो बहुत सारे योजना चला रही हैं और जो जागरूकता फैला रही हैं, तो जागरूकता के लिए उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट बनाया है दोस्तों, और एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने ये कहा है कि एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। यानी पोषण से भरपूर माँ एक पोषण से भरपूर बच्चे को जन्म देती है। तो दोस्तों पहले ऐसा लग रहा था, पहले से प्रथा चल रही थी दोस्तों कि जन्म के बाद बच्चों को पोषण की जरूरत होती है, लेकिन दोस्तों आज अगर गर्भ से ही अगर उसे पोषण मिलता रहेगा और वह उचित पोषण मिलेगा दोस्तों, तो बच्चा स्वस्थ जन्म लेगा, ठीक है। और बच्चे का जो जन्म लेते वक्त जितना वजन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, हम इस वीडियो के आखिरी में उसको ही डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो उतने वजन में बच्चा जन्म लेगा और बच्चा स्वस्थ रहेगा, और बाद में जो आप पोषण दे रहे हो वह पोषण कार्य करेगा। तो पोषण वृद्धि को रोक देता है दोस्तों बुद्धि। अगर किसी बालक की मंद बुद्धि है, ठीक है, तो मंद बुद्धि के कारण वह ग्रोथ नहीं कर पाता। शारीरिक रूप से तो ग्रोथ कर लेता है, लेकिन मानसिक रूप से ग्रोथ नहीं कर पाता। आपने आस पड़ोस कहीं देखा होगा दोस्तों कि बच्चे आपकी एज के हो जाते हैं या फिर आपके इतने लंबे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह हरकतें छोटे बच्चों की तरह ही करते हैं। तो दोस्तों बुद्धि भी ग्रोथ को रोक देती है। प्रजाति, प्रजाति यानी रेस दोस्तों। अगर आपके शरीर में कौन सा खून है, आपका वंश कौन सा है, वंश के आधार पर भी दोस्तों बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर आपकी रेस, आपकी प्रजाति अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आपकी ग्रोथ सही नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप सबकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, यानी इसका मतलब है कि आपकी प्रजाति अच्छी है दोस्तों। रोग एवं चोट, अगर बाल्यावस्था में दोस्तों या गर्भकालीन अवस्था में अगर बच्चे को चोट लग जाती है, किसी प्रकार से चोट लग जाती है, तो दोस्तों यह भी एक कारण होता है कि वह ग्रोथ नहीं कर पाता है, ठीक है। तो रोग एवं चोट भी इसका कारण होता है। घर का वातावरण, आपको मैंने बताया था दोस्तों जब मैं वीडियो शुरू करा था तभी बताया था कि बालक घर से ज्यादा सीखता है, मम्मी से ज्यादा सीखता है, फिर तत्पश्चात विद्यालय से सीखता है, शिक्षक से सीखता है। बालक जो होता है, जो दोस्तों छोटी उम्र में होता है, वह बहुत सारी चीजों को देखता है, ठीक है, और देखते सुनते और बोलते, ठीक है, और स्पर्श करते हुए चीजों को वह सीखता है। वह अपने आस पड़ोस के वातावरण को देखता है और उन चीजों से वह सीखता है। जैसे उदाहरण के तहत दोस्तों,
अगर हमारे क्षेत्र में बच्चा जन्म लेता है और उसके माता पिता हिंदी भाषा का बोल रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा भी हिंदी भाषा को सीखता है। कैसे सीखेगा? कि वह उनको सुन रहा है, उनको समझ रहा है, ठीक है, तो अपने आप वह हिंदी को सीख जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है, जबकि अमेरिका में बच्चे इंग्लिश सीखने के लिए किसी कोचिंग पर नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा ही है, उनके माता पिता अंग्रेजी में बात करते हैं तो वो भी सीख गए। ठीक है, तो घर का वातावरण का बहुत इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, अगर घर का वातावरण अच्छा नहीं है तो बच्चे का ग्रोथ रुक जाएगा। आस पड़ोस का वातावरण, ठीक है, आस पड़ोस का वातावरण भी अगर उचित नहीं रहा दोस्तों तो ऐसी कंडीशन में भी बच्चे का ग्रोथ रुक जाएगा। तो आस पड़ोस का वातावरण भी उचित होना चाहिए, प्रदूषण बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, अन्यथा दोस्तों बालक के शिशु के मानसिक रूप में उसका बहुत ज़्यादा आघात पहुँचेगा, वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएगा दोस्तों। विद्यालय का वातावरण, यही तो कारण है दोस्तों कि विद्यालय में स्कूल में कंपटीशन चलता रहता है। कैसे चलता रहता है? कि विद्यालय का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बच्चा रहेगा तो ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगा। सांस्कृतिक वातावरण, उसकी संस्कृति कैसी है, ठीक है, बच्चा ऊपर वाले से प्रकृति से सारी चीज सीख के नहीं आता, ठीक है, यहाँ पर आके संस्कृति को देखता है, ठीक है, कि मेरे को कैसे रहना है, कैसे बोलना है, किसकी आराधना करना है, किसकी प्रार्थना करना है, कैसे वस्त्र पहनने हैं, ठीक है, कैसी वेशभूषा मुझे रखनी है, यह सब उसकी संस्कृति को दिखाती है दोस्तों। और यह वृद्धि में, विकास में या तो रोकने का कार्य भी करती है तथा उसको आगे बढ़ने का कार्य भी करती है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपने वृद्धि को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में बात करी है। चले जी, अब बात करते हैं दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं। यह जो भाग रहेगा दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्यों का, यह मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु की अगर अपन बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला जो तथ्य है वह यह कहता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि सामाजिकरण यानी समाज कब से शुरू होगा? जब बालक गर्भ अवस्था में था, गर्भकालीन था, तब समाज नहीं था, वो समाज का भाग नहीं था। लेकिन दोस्तों जैसे ही बालक का जन्म हो जाता है, क्या वह समाज का भाग बनेगा कि नहीं बनेगा? तो समाज का भाग की शुरुआत उसके जन्म से होती है। और दोस्तों आप सबको पता है कि जब जन्म से शुरुआत होती है तो वह अवस्था कैसी होती है? शेषवा अवस्था। ठीक है, कैसी अवस्था होती है दोस्तों? शेषवा अवस्था। ठीक है, शेषवा अवस्था होती है। ठीक है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो दोस्तों शेषवा अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। तत्पश्चात दोस्तों एक नवजात शिशु का कद होना चाहिए, उसकी लंबाई होनी चाहिए। तो एक नवजात शिशु की लंबाई होनी चाहिए दोस्तों 19.5 इंच। दोस्तों इन चीजों को अच्छे से याद रखिएगा, ये परीक्षा के भाग होते हैं। ठीक है, तो नवजात शिशु का कद यानी ऊंचाई होनी चाहिए 19.5 इंच। नवजात शिशु का वजन होना चाहिए, ठीक है, एक नवजात शिशु है उसका वजन कितना होना चाहिए? तो दोस्तों उसका वजन होना चाहिए 7 पाउंड उसका वजन होना चाहिए। तत्पश्चात दोस्तों सबसे तेज शारीरिक विकास होता है, बालक का सबसे तेज शारीरिक विकास कब होता है? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, सबसे तेज अगर शारीरिक विकास होता है दोस्तों तो शेषवा अवस्था में होता है, बच्चा तुरंत बड़ा होता है दोस्तों, उसका ग्रोथ सबसे ज्यादा इसमें, और यहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है, ख्याल भी सबसे ज्यादा यहीं पर रखा जाता है कि अगर यहाँ पर किसी चीज की कमी रह गई तो वृद्धि रुक जाएगी दोस्तों। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं होती हैं तो शेषवावस्था में होती हैं।
क्लियर। चले दोस्तों, नेक्स्ट विकास की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो दोस्तों विकास की प्रवृत्ति जीवंत पर्यंत रहती, जब तक व्यक्ति मरता नहीं है ना दोस्तों, तब तक विकास चलता ही रहता, विकास कभी नहीं रुकता दोस्तों। तत्पश्चात शेषावस्था में संवेग होते हैं, शेषावस्था में बालक में कितने संवेग होते हैं, कितनी क्रिया वो करता है, तो चार क्रिया, कौन कौन सी, भय, डरता है, बच्चा डर रहेगा, ठीक है, आपने देखा ना बच्चा डर गया, ठीक है। फिर क्रोध, किसी बात को या फिर किसी वातावरण को लेकर वह क्रोध करेगा, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन वह क्रोध करेगा, ठीक है। प्रेम उसके अंदर उमड़ेगा, ठीक है, प्रेम का भाव होगा उसके अंदर, लेकिन हमें ज्ञात नहीं होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, पीड़ा, ये तो हम सबको पता होती है दोस्तों, बालक को पीड़ा हम महसूस कर सकते हैं कि बालक को पीड़ा हो रही है, भय को महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या उसे क्रोध आ रहा है, इसे महसूस नहीं कर सकते। क्या उसे प्रेम आ रहा है, उसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ये चारों संवेग शेषावस्था में बालक में पाए जाते हैं। चले दोस्तों, नेक्स्ट, शेषावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, ठीक है। शेषावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह किसने कहा था, तो दोस्तों यह कथन है एडलर का, एडलर, ठीक है, एडलर ने कहा था, क्या कहा था एक बार, और दोस्तों मैं आपको बताता हूं, एडलर कह रहे हैं कि शेषावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, ठीक है, ये एडलर ने कहा था। तत्पश्चात दोस्तों अपन बात करते हैं, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है, तो दोस्तों हड्डियों की संख्या 270 नवजात शिशु में यहां बताई गई है। चले जी, लेकिन इसको कंफर्म करके एक बार आप देख लीजिएगा कि क्या फिक्स 270 है, ठीक है। चले जी, नेक्स्ट बात करते हैं, जन्म के समय लगभग शिशु का भार होना चाहिए, ठीक है, तो 7 पाउंड में है, अगर किलो की बात करें दोस्तों तो लगभग 3 किलो का उसके अंदर वजन होना चाहिए, ठीक है। एक बच्चे के दूध के दांत कब निकलते हैं, एक जो बच्चा होता है, बालक होता है, उसके दूध के दांत कब तक निकलते हैं, तो दोस्तों दूध के दांत उसके 1 वर्ष तक निकलते हैं, कब तक दोस्तों, 1 वर्ष तक। इसके बाद कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, सार्थक शब्द यानी अच्छे शब्दों का प्रयोग वह करने लग जाता, तो वह 3 वर्ष का बालक जो होता है वह अच्छे शब्दों का, सार्थक शब्दों का प्रयोग वह करने लग जाता है दोस्तों। अब तत्पश्चात दोस्तों नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के अनुसार, साइकोलॉजी के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, साइकोलॉजी के अनुसार किस वर्ष के आयु के बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, तो दोस्तों वह है 5 वर्ष, ठीक है, कितने वर्ष के, 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको आप विद्यालय भेज सकते हैं दोस्तों, उनकी यह बहुत अच्छी आयु होती है। दूध के दांत कितने होते हैं, ठीक है, दूध के जो दांत होते हैं बच्चों के वह कितने होते हैं, तो दोस्तों उनकी संख्या होती 20, कितनी होती है दोस्तों, 20 संख्या होती है दूध के दांत की। तत्पश्चात दोस्तों जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, तो दोस्तों 350 ग्राम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, ठीक है, अगर भार कम ज्यादा हो गया, ठीक है, तो मानसिक रूप से बच्चे में कोई विकृति होती है। चले जी, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हड्डियों का विकास कब तक होता है, दोस्तों हड्डियों का विकास होता है 16 वर्ष की उम्र तक, ठीक है, हड्डियां हमारी विकसित कब तक होती हैं, 16 वर्ष तक की आयु तक हमारी हड्डियां विकसित होती हैं दोस्तों। चले जी, इसके बाद किशोर ही वर्तमान शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कहा गया है किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह किसने कहा था, तो क्रो ने कहा था कि शिशु ही दोस्तों वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है, और यह किसने कहा था, क्रो ने। चले जाए दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों,
शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्यीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होती है। मानसिक विकास, यानी मानसिक विकास से दोस्तों, मानसिक विकास कैसे होता है? मानसिक विकास, विकास के माध्यम से कल्पना से, चिंता से, बुद्धि से, संवेग से, ठीक है, आसपास के वातावरण से, इन सारी चीजों से मानसिक विकास होता है। अगर इनमें किसी प्रकार से कमी या कोई चीज होती है तो इससे मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है दोस्तों। इसके तत्पश्चात दोस्तों अपन नेक्स्ट बात करते हैं, बच्चे का जो विकास होता है, ठीक है, बच्चे का विकास कैसे होता है, ठीक है, गर्भावस्था में बच्चे का विकास कैसे हो रहा है? तो दोस्तों बच्चे का विकास होता है सिर से पैर तक, ठीक है, सिर से शुरू होता है और पैर तक उसका विकास होता है दोस्तों। चले जी, आखिरी है, ठीक है, अंतिम है, मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानसिक विकास, वृद्धि और विकास, ठीक है, मानसिक रूप से हमारा जो मन, जो हमारा जो दिमाग है उसमें वृद्धि और उसके विकास में कौन भूमिका निभाता है? तो दोस्तों सीखना, ठीक है, तथा मैच्योरिटी, ये दोनों एक तरफा भूमिका को निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज आप सभी ने इस वीडियो में बाल विकास में कुछ टॉपिक को पढ़ा, ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, ठीक है, और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत हेल्पफुल भी होगा। अगर आप सभी को दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा और मेरा यह नया प्रयास आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी आपका इसका फायदा ले सके। और दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे शिक्षा ओशन के चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। चले दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।